आज के इस प्रोग्राम में इस बार हमारे काउंसलर आपके लिए लेकर आए हैं हार्डवेयर के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसर के बारे में जानकारी। कंप्यूटर के आविष्कार ने सिर्फ हमारे काम को ही आसान नहीं किया है, बल्कि हमारे लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोले हैं। हार्डवेयर और नेटवर्किंग दोनों में बेहतरीन स्कोप इस क्षेत्र में युवा के लिए मौजूद है। जानकारों की माने तो चिप लेवल ट्रेनिंग इस वक्त खासा आकर्षण वाला करियर ऑप्शन बना हुआ है। तो क्या है चिप लेवल ट्रेनिंग, जानेंगे हमारे काउंसलर से। चिप लेवल का मतलब है एक एक चिप से होके करंट का जाना, प्रोसेस होना, यानी एक सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो वो किसी न किसी चिप के थ्रू जा रहा है, हर चिप का फंक्शन है। तो चिप लेवल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक एक काम को किस स्टेप से होना, कहाँ कहाँ जाना और फिर स्क्रीन तक आना। जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन है तो रिजल्ट हमें वहाँ देखना है, प्रिंटर पे देखना है, तो रिजल्ट जब आएगा तो किन चिप से होता हुआ, तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर, नेटवर्किंग, रोबोटिक्स या घर का टेलीविजन की बात करें, ये सब छोटे छोटे चिप से मिलके बने और इनके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो इन्हीं को कहते हैं चिप, यानी छोटे छोटे पार्ट, यानी सिलिकॉन टेक्नोलॉजी। इस हार्डवेयर कोर्स की ट्रेनिंग करने के लिए आप किसी भी हार्डवेयर और नेटवर्किंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। क्लासेस में पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ाया जाता है और चिप लेवल ट्रेनिंग को डिटेल में सिखाया भी जाता है। अच्छी जगह से ट्रेनिंग लें जहाँ लेटेस्ट ट्रेनिंग हो और पूरा दिन रुक के ट्रेनिंग करें, तभी जाके वो चीज़ों को सीख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्किल को सीखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। लोग अक्सर शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि मैं एक महीने का कोर्स करता हूँ, तीन महीने का, और मैं इंजीनियर बन गया। असंभव, इम्पॉसिबल है इस लाइन के अंदर, क्योंकि देखिए जब तक हम इसमें ज़्यादा उतरेंगे नहीं गहराइयों तक, ज़्यादा अपने हाथ से, क्योंकि देखिए सारा काम हाथ का है, जितनी टेक्निकल काम है सब हाथ का है, और ये हाथ के काम में किसी तरह का भी एक समझ लीजिए कि कमजोरी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ पता है तभी आप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए इसके अंदर डूबना बहुत ज़रूरी है, और वो भी संपूर्ण भावना के साथ कि मेरा ये काम है, पैसा आए ना आए मुझे अपना काम करना है। चिप लेवल में भविष्य बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए ये एक खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में सुनहरे अवसर और ग्रोथ दोनों बहुत हैं। आप ट्रेनिंग से शुरुआत करके बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप खुद का काम शुरू करके एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। चिप लेवल के बारे में हम बात करें, ग्रोथ की बात करें, प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, तो 1.5-2 साल की ट्रेनिंग है और 1.5-2 साल फील्ड में स्टाइफन पे काम करना होता है। यानी आज एक बच्चा 2015 में शुरू करता है तो आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद एक बहुत अच्छे पोस्ट पे होता है, और वो इतने अंदर उसके अंदर खुद ही स्किल डेवलप हो जाती है, इतना अच्छा वो करने लग जाता है कि आगे चल के वो दूसरों को रोजगार देने के लायक बन जाता है। यानी वो खुद तो एंटरप्रेन्योर बन ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो और 10 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो ये एक सारी चीज़ें ये बताती हैं कि एक स्टूडेंट जब इन चीज़ों को करता है तो रोजगार के अवसर उसके लिए तो हैं, लेकिन वो और लोगों को भी रोजगार देने लग जाता है। तो एक अपने आप में संभावनाएं इतनी ज़्यादा है कि लोगों की कमी है आज। हार्डवेयर और नेटवर्किंग के फील्ड में रुचि रखने वाले युवा चिप लेवल का कोर्स करके भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं। बस आप ये याद रखें कि आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी।